दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप कमज़ोर हैं, काफ़ी दुबले हैं या फिर आप बार बार रोगों की चपेट में आते हैं और ऐसे में अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको अगर कहता है कि आपके शरीर में खून की कमी है तो उस समय हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम खून की कमी को कैसे दूर करें। इस वीडियो में हम आपको खून की कमी को दूर करने के बारे में कुछ उपाय बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। मानव शरीर में लोह तत्व यानी कि खून की कमी नुकसानदायक होती है। इसके कम होने पर इंसान बीमार पड़ने लगता है। एक स्वस्थ मानव के शरीर में कम से कम 20 ग्राम आयरन होना चाहिए, लेकिन इसकी संतुलित मात्रा ही सही रहती है। जब मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी कि ब्लड में जो लोहा होता है, लोहे का तत्व, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर में हीमोक्रोमेटिक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी है तो उसका शरीर सुडोल और सुंदर रहता है। जिन लोगों को खून की कमी होती है ऐसे लोगों में कुछ इस प्रकार के दोस्तों लक्षण दिखते हैं। उन्हें भूख नहीं लगती है, हमेशा वो उदास से रहते हैं यानी कि चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। शरीर में थोड़ा सा ही परिश्रम करने पर थकान महसूस होती है और पैदल चलने पर चक्कर आना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखे तो आप समझ लें कि खून की कमी हो सकती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आप खून की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए अनार का जूस सबसे बेहतर होता है। इसके लिए आप एक ग्लास अनार के जूस में स्वादानुसार पीसी हुई काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर पीते हैं तो इसे कुछ ही दिनों में आपको फायदा नजर आने लगता है। आप प्रतिदिन इसका सेवन कर सकते हैं या सप्ताह में 2 से 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें, अपनी खून की कमी को दूर करने के लिए मेथी, पालक और बथुआ और थोड़ा सा नमक, इन चीजों को मिलाकर आप भाजी बना लें यानी कि सब्जी बना लें और इसका सेवन करें। इन तीनों में से किसी को भी आप खा सकते हैं। इससे हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है और शरीर में खून की वृद्धि होती है। खून की कमी में दोस्तों गिलोय की जो बेल होती है, आपने कई बार सुना होगा, ये एक बेल होती है जो कि आयुर्वेदिक शॉप पर आपको आसानी से मिल जाती है। ये खून की कमी को दूर करती है, साथ ही कई सारी बीमारियां ये बेल दूर करती है। अगर आप गिलोय के जूस का सेवन करते हैं तो इससे खून की कमी दूर हो जाती है। अगर आप दोस्तों ये सभी चीजें नहीं कर सकते हैं तो आपकी एक फेवरेट चीज होगी जिसका नाम है गाजर। जी हाँ दोस्तों, खून की कमी को दूर करने के लिए गाजर काफी बढ़िया और सस्ता उपाय होता है। प्रतिदिन कम से कम आप 200 ग्राम गाजर का सेवन करें या फिर एक ग्लास गाजर का जूस पी लें। अगर आप गाजर का सेवन करते हैं या रस पीते हैं तो इससे आपका शरीर हष्टपुष्ट होता है और खून की कमी दूर हो जाती है। खून को बढ़ाने के लिए आप टमाटर का भी सेवन कर सकते हैं। टमाटर में लोह तत्व की कमी को दूर करने की शक्ति होती है, इसलिए आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए टमाटर का सेवन करें। कच्चे टमाटर खाएं या फिर इसके एक ग्लास जूस का प्रतिदिन सेवन करें, इससे लाभ होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीजें जो कि खून की कमी में बहुत ही लाभकारी होती है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।